S21 और S22 FE के अकॉर्डिंग ना S23 का फैन एडिशन भाई काफी ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे बैक साइड आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा, चारों साइड यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया है। और आगे वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इसके डिस्प्ले, कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आप लोग कंप्लीटली जरूर से देखिएगा, लेकिन हाँ वीडियो को बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले बातें करते हैं इसकी डिजाइन की, तो डिजाइन देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। बैक साइड एकदम से पूरा का पूरा ग्लास दिया गया, और इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया, और फ्रंट में इसका डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए भी गोरिल्ला ग्लास 5 आपको देखने को मिलेगा। हाँ वेट थोड़ा सा हैवी है, यहाँ पे 209 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलेगा, और थिकनेस भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा है, 8.2 mm का आपको थिकनेस भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड पूरा का पूरा प्लेन देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे दो एंटीना का यूज किया गया है। आप लोग ऊपर साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिम का ट्रे, और यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन माइक, और यहाँ पे एक एंटीना, और यहाँ पे राइट साइड वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन। और यहाँ पे नीचे साइड देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्पीकर ग्रिल्स एंड चार्जिंग टाइप सी पोर्ट। अब यदि आप लोग इसके डिस्प्ले को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का ना डायनेमिक एमोलेड 2x स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080x2340 पिक्सल्स के साथ आता है। और देखिए जिस अभी फोन की प्राइस है, जिस रेंज में ये फोन आ रही है, उस प्राइस रेंज में ना ये डिस्प्ले थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इससे ये होगा कि यदि आप लोग यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं ना, तो आप लोग उसे 4K में प्ले कर सकते हो, बहुत ही कोई भी आप लोगों को दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा इसमें आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा स्मूथनेस इसमें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं भाई, वीडियो शूट कर रहे थे, यहाँ पे हमारा बंदा यहाँ चिप्स वगैरह का पैकेट खा रहा है, सारा का सारा खत्म ही कर दिया भाई। इतना महंगा यूट्यूबर, सस्ता चिप्स 5 रुपए में निपटा रहा है। अब इसमें आपको कैमरा काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी मतलब आवाज आएगी, मतलब इसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का इसमें यूज किया गया है। और ये जो सेकंड वाला है, इसमें आपको दिया गया है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और थर्ड वाला जो है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। और सच्ची बताओ तो फोटो या फिर वीडियो अगर आप लोग निकालते हैं तो काफी ज्यादा आप लोगों को कमाल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो सैंपल दिखाता हूँ। अभी आप लोग जो ये वीडियो सैंपल देख रहे हैं, मैं इसके प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ। इसमें आपको हाईएस्ट वीडियो कैप्चर 8K 24fps वगैरह ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। और स्टेबलाइजेशन वगैरह की बात करें तो यदि कोई मूवमेंट वगैरह करता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे चलता वलता हूँ अभी, तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन बेसिकली इसका काम करता है। और मैं कोई भी इंटरनल माइक वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब यदि आप लोग 4K 30fps में इसमें शूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए शूट करते करते ना आप लोग डायरेक्टली कैमरा को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रंट का आप लोग व्यू वगैरह ले सकते हैं। इसका भी स्टेबलाइजेशन वगैरह चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ब्लॉगिंग वगैरह के लिए सच्ची बताओ तो काफी ज्यादा मस्त है। यदि धूप वगैरह में भी यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा फेस पे लाइट वगैरह आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी आप लोग जो ये वीडियो सैंपल देख रहे हैं, इसके मैं टेलीफोटो कैमरा से शूट कर रहा हूँ 1x पे। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वगैरह भी ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कलर्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना हो तो ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ब्लर वगैरह को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने 1x से 3x पे स्विच किया ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह और भी ज़्यादा ब्लर वगैरह देखने को मिल जाएगा, फोटो वीडियो वगैरह आपको और भी ज़्यादा स्मूथनेस इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी आप लोग कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे। इसकी फ्रंट कैमरा को देखते हैं ना, तो इसमें आपको 4K 60fps का ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से डायरेक्टली बैकग्राउंड में स्विच करना है या फिर आप लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक्स्ट्रा ऐप वगैरह की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए इसमें आपको कैमरा क्वालिटी ना काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यदि आपको कोई ब्लॉगिंग वगैरह करना है फिर या फिर यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने एक बात ये भी नोटिस किया, कैमरा वगैरह यूज करने के बाद ना फोन थोड़ा सा हीट हुआ, बट वैसा कोई इशू नहीं कि बहुत ज्यादा हीट हुआ, नॉर्मल से थोड़ा हीट हुआ, जो कि सभी फोन में हीट होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको बहुत सारे कैमरा में फीचर्स मिलते हैं। और जो सबसे खतरनाक वाला फीचर्स मुझे ये लगा ना, यदि आप लोग इसका नाइट मोड देखते हैं भाई, अलग ही लेवल इसमें मिलने वाला है। मैंने एक फोटो वगैरह क्लिक किया हुआ, आप लोग यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा अंधेरे में ये फोटो क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए भाई नाइट मोड के इफेक्ट के बाद एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फोटो को मैंने अंधेरे में क्लिक किया हुआ है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कैमरा के बारे में आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताना।
अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको S23 FM ना एक्जोनोस 2200 देखने को मिल जाता है। तो देखिए प्रोसेसर वगैरह काफी अच्छा है, जो कि 2.8 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है। और इसका अंतुतु स्कोर, CPU, GPU या फिर गीग बेंच मार्क का रिजल्ट वगैरह देखते हैं ना, तो देखिए इस प्राइस रेंज में ना काफी अच्छा रिजल्ट ये निकाल के देता है। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात यह भी बता दूं, इसमें यदि आप लोग BGMI वगैरह खेलते हैं ना, जिसमें आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एक्जोनोस का 2200 वाला जो ये चिपसेट है, ये बेसिकली गेमिंग चिपसेट नहीं है। ये देखिए प्रोसेसर वगैरह काफी अच्छा है, लेकिन यदि आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो BGMI वगैरह में आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और मतलब थोड़ा सा फोन वगैरह हीट होने के बाद थोड़ा सा लैग इशू वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और यदि आप लोग इसमें कनेक्टिविटी वगैरह देखते हैं ना, तो 4G, 5G, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई, NFC एंड UFS 3.1 वगैरह का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और देखिए यदि आप लोग अपने फोन में ज्यादा टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 5 आवर्स का बैटरी बैकअप से देखने को मिल जाएगा। जबकि इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और एक अच्छी बात लेकिन ये इसमें है ना कि इसमें आपको 15W का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यदि इस फोन को लेकर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो यदि आप लोग गेमिंग या फिर बैटरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप लोगों को एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा फ्लैगशिप फोन चाहिए, प्रीमियम जैसा दिखने में लगे, तो ये फोन आपके लिए एकदम से बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। स्पेशली यदि आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं, उसके लिए तो ये फोन का कैमरा सच बता दो काफी मस्त है, काफी फ्लैगशिप फोन है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो ना, कमेंट्स करके आप लोग जरूर से बताइएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।